हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो। हमारे साथ मौजूद है एक चचा जो कि शिकागो से मैच देखने के लिए स्पेशल आए, इंडिया और पाकिस्तान का पूरे मैच, पूरी सीरीज, पूरी सीरीज। क्या कहते हैं इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बारे में? इंडिया पाकिस्तान के मैच के बारे में मुकाबला अच्छा होगा, कोहली नहीं आया, मज़ा नहीं आया, कोहली भी होता तो बड़ा मज़ा आता, लेकिन एक बार एक उम्मीद है पाकिस्तान टफ टाइम देगा, ईजी यानी ईजी नहीं रहेगा मुकाबला, और इंशाल्लाह ये तो सामने पाकिस्तानी टीम बहुत अच्छी हो जाएगी, इमरान खान टीम का टेक केयर करेगा। पहले तो सब सिफारिश पे आते थे, अब मेरिट पे बच्चे आएंगे और बड़ी उम्मीद है पाकिस्तानी टीम फिर एक बार टॉप पे आ जाएगी और इंडिया पाकिस्तान से मुकाबले होंगे और हर साल मुकाबले होंगे। अब इंशाल्लाह इंडिया पाकिस्तान में मोहब्बत बढ़ेगी, मरने से पहले ये मेरी आरजू है। क्या एक सीरीज होने चाहिए आपकी मरने से पहले पाकिस्तान इंडिया? पाकिस्तान इंडिया तो हर साल मैच होना चाहिए, गरीबों के लिए यही तफरी है यार, और गरीब तो क्या चाहिए, अमीर हो तो दुबई आ जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, गरीब आदमी पाकिस्तान में किराती लाहौर में मैच देखना चाहता है, और इंडिया में भी ये लोकल आदमी बिचारे लोकल मैच देना, ये दुबई में तो पता नहीं क्यों होता इतनी गर्मी में मर रहे यार, नहीं तो श्रीलंका में भी होता था, बांग्लादेश में भी होता था, इंडिया में भी होता था, तो लोग पाकिस्तान के हालात सही नहीं है, अब पाकिस्तान के हालात एक उम्मीद है, देखो ऊपर वाले से उम्मीद है हालात सही हो जाएंगे, इमरान खान से बहुत उम्मीद है। इमरान खान के आने से क्या पॉलिटिशियन भी ठीक हो जाएगी इंडिया और पाकिस्तान की? बहुत उम्मीद है मुझे, देखो उम्मीद है आगे अल्लाह, एक उम्मीद है, तब मोदी साहब नवाज शरीफ की बिस्मिल्लाह में चले जाते हैं तो उम्मीद है इमरान खान स्पोर्ट प्लेयर है और दिल अच्छा है, चोर नहीं है, बहुत अच्छा अच्छा फर्क पड़ जाएगा इंशाल्लाह। अभी तो स्टार्ट हो गई, अभी सिद्धू साहब क्या सिद्धू साहब ने भी उनका साथ दिया तो उन्होंने बॉर्डर छोड़ दिया, वो गवाह उनका से तो क्या एक उम्मीद होगी, सरदार लोग हैप्पी हो गए, कल हिंदू हैप्पी हो जाएंगे, ये मोहब्बत बढ़ेगी, फिर मैं दीपिका तो घर में चाय पे बुलाऊंगा इंशाल्लाह। आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं, कौन था क्या खूब लगता है चलने जाता, तब इंडिया हारेगा तो मैं गाना गाऊंगा, दिल जलता है तो जलने दे, आजू ना बहा फरियाद ना कर, हमारा इमरान खान वापिस आ गया इंशाल्लाह। और फिर इंडिया के बारे में, गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया माला आए, मेरी भी इंडियन हैदराबाद है तो मुझे प्यार आता है यार, वो इंडियन हैदराबाद ही है, अल्लाह अल्लाह इंडिया पाकिस्तान को अच्छा। इंडिया के कौन से प्लेयर को आप सपोर्ट करने के लिए आते हैं? धोनी, सबसे पहले धोनी, दिल में रोहित शर्मा, कोहली, लोग बोलते हैं कोहली बहुत टफ है, मैं उतने 5-6 बार मिला, दिल का बहुत अच्छा है यार, कोहली भी बहुत अच्छा है, और कोहली ने शादी में मैं मुझे नहीं बुलाया और श्रीलंका वाले तो बुलाया, मैं 2 दिन नहीं सोया, मेरा दिल बहुत जला, तो मैंने मीडिया में बोला कि उन्होंने मुझे क्यों नहीं बुलाया शादी में, अब इंशाल्लाह जब उन तो ट्विन बच्चे होंगे मैं जाऊँगा बॉम्बे। पाकिस्तानी कौन से प्लेयर को आप चाहते हैं? और पाकिस्तानी प्लेयर तो मैं चाहता था अपना आदि व्यापार, नाम सुना हमने आदि व्यापार, मियाँ दाद और ये माजिद खान पुराने खिलाड़ी, ये नए तो आ रहे हैं जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा कौन है, लेकिन मिताउल हज भी बहुत अच्छा था, पाकिस्तान का कप्तान बहुत अच्छा, बड़ा नरम मिजाज, बाकी खिलाड़ी से भी मुझे मोहब्बत नहीं हुई, दो हकीकत है मैंने बोल दिया। अवाम में बैठे होते हैं पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे बैठे होते हैं अवाम, हाँ। तो क्या महसूस करते हैं आप उधर ग्राउंड में? इंडिया बूटो में हमेशा इंडिया तो चांद देता हूँ, इंडिया से मोहब्बत देता हूँ, तब तो इमरान खान आया, अब मुझे उम्मीद हो गया पाकिस्तान जीतेगा, पहले कोई उम्मीद नहीं थी, तीन तब वैसे ही सिफारती खिलाड़ी थे, अब इंशाल्लाह तब मेरिट पे आएंगे और बड़ा मुकाबला होगा, आप देखना इंडिया पाकिस्तान में बड़ा मजा आएगा, तथा इंग्लैंड वाले सीरीज चलाते हैं तो हम लोग क्यों नहीं, हम लोग क्यों मरने बॉर्डरों पे मर रहे हैं, खेलो क्रिकेट में लड़ो, बॉर्डर पे तो एक आदमी मतलब पूरा घर तबाह होता है, जी औरत बेवा होता है, माँ बाप यतीम होता है, आओ क्रिकेट में मारो इतने तो कितना मारो, हम लोग थालियाँ मारेंगे, हम बोलेंगे जी देगा, ये बोलेगा इंडिया वाला, तब भी तो ये हुई यार मोहब्बत की लड़ाई लड़ो। चाचा इंग्लैंड में इंडिया की सीरीज जो सारी हार के आई मैच जीती, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बुरा वक्त भूल जाओ, अच्छा वक्त फिर आएगा,
तो बुरे वक्त तो याद नहीं चलो, इंशाल्लाह अच्छा वक्त दोबारा आएगा। और हार गए, हार जीत तो होते रहती है, होते तो टीम बहुत थक गई होगी, ये तो बहुत लंबे टूर पे आए। लेकिन कोहली साहब तो ये मैं खेलना था, इतने बाद आराम कर लेते, चूंकि इंडिया पाकिस्तान ना मैं खेल लेना था। ऐसा भी अब कौन है आराम दवा आके घर में दादे बैठ गए, बीवी याद आई होगी। एशिया कप में कोहली नहीं खेल रहा तो एशिया कौंसिल को जो भी वो उन्होंने भी क्या है कोहली को खेलना चाहिए था। कोहली तो बराबर एक दो तीन मैच खेल लेना था, दूल्हे मैच नहीं खेलता, हांगकांग दे नहीं खेलता, बांग्लादेश दे नहीं खेलता, पाकिस्तान के साथ खेलना था। पाकिस्तान की आवाम भी कोहली तो मोहब्बत करती है, तो क्या मुकाबला होता, मजा आता। कोहली से डरती है आप करें? नहीं, डरना वरना अलग, नहीं नहीं मोहब्बत भी होती है, हर आदमी बीवी से घबराता है तो बीवी से क्या मोहब्बत नहीं होती है। ये तो यार ला, ये तो जिंदगी की कहानी चल रही है। हमें तो धोनी देता है, हमें तो सैंडविच भी खिलाता है। सुधीर, ये चाचा बड़े लंबे से आए, क्या उम्मीद रख के आए और क्या होने वाला है? चाचा तो अमेरिका से आके वहाँ मक्का रुके, हज पे, तो मैंने फोन किया कि चाचा आप आ जाओ दुबई, फिर चाचा आए और मुझे भी बुलाए। बस ये प्यार है, ये प्यार क्रिकेट का प्यार है, क्रिकेट का प्यार है और इंसानी प्यार भी है, मोहब्बत भी है चाचा।